भागलपुर जिले में 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव है। इस दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के कई इलाकों से मतदान बहिष्कार किए जाने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिले के आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन समीक्षा भवन में किया और अधिकारियों को मतदान बहिष्कार किए जाने वाले क्षेत्र में जाकर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आम लोगों से मतदान की शक्ति पहचान की बात करते हुए कहा कि आपका एक एक वोट आपके इलाके में विकास की इबादत लिख सकती है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यहां तक कहा कि अगर आपको नेता पसंद नहीं है तो नोटा में बटन दबाए, लेकिन मतदान जरूर दीजिए। वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने कहा है कि संगठित रूप से मतदान का बहिष्कार किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीनियर एसपी ने यहां तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को मतदान बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करते दिखे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने इसको एक न्यूसेंस के रूप में क्रिएट करने का प्रयास किया है। वैसे आपको मैं अवगत करा दूं कि जितने भी विकास कार्य हैं, आम जनता से मैं हमेशा मिलता हूं, वो आकर के हमारे पास प्रपोजल दें, उनकी कोई मांग है वो मांग रखें, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उस मांग के हिसाब से तदनुसार जो उचित कार्रवाई है हम लोग उसको करेंगे। लेकिन मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं जाएं और इस तरीके की बातें, जो वोट बहिष्कार की बातें, एक नादानी है। मैं कहूंगा कि वो एकजुट होकर के सभी लोगों को एक एक मतदाता को घर से निकाल करके अपनी मर्जी के हिसाब से वोट करें और जिस दिन किसी भी बूथ का वोटिंग परसेंटेज आपको 85 से अधिक हो जाता है तो निश्चित रूप से जो हमारे राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे उनके इलाके में जाकर के पूछेंगे कि भाई आपकी जरूरत क्या है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। किसी वोट को किसी भी प्रकार से प्रभावित करना नकारात्मक रूप में, चाहे वो किसी एक व्यक्ति को वोट देने के लिए कुछ लालच देना या किसी को डरा कर वोट नहीं देने देना या किसी को उकसा कर, तो यह भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और अन्य सेक्शंस हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में, उसका वायलेशन है और उसके अनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी छोटेलाल साह भागलपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा अपने शहर के विकास में काफी गिरावट आई है, उसे तो दुरुस्त करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क से लेकर भागलपुर में हवाई सेवा अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, उसे मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। जितने नेता अपनी दफली बजाते हैं वह सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, लेकिन मैं निर्दलीय भागलपुर से सांसद पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। वही छोटेलाल शाह ने शहरवासियों से भारी बहुमत से जीत दिलाने की भी अपील की। मेरा नाम छोटेलाल शाह, पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी भी हम रह चुके हैं। हमारा चुनाव का उद्देश्य है भागलपुर का विकास। अभी तक आप देखेंगे कि भागलपुर का विकास आपको नग्न नजर आएगा। जो व्यवस्था पहले थी, पहले की व्यवस्था में अभी गिरावट हो चुकी है। तो मुख्य मुद्दा है हमारा शिक्षा, शिक्षा को विकसित करना, स्वास्थ्य को विकसित करना, यहाँ के उजड़े हुए कल कारखाना और उद्योग उसको विकसित करना। और अभी तक 70 वर्ष हो गया, हवाई अड्डा नहीं आया है, हवाई अड्डा को धरातल पर उतारना और ऐसे बहुत सारे ज़रूरत है भागलपुर को। बहुत सारे पुल पुलिया हैं, ओवरब्रिज है, ये सबको धरातल पर उतारना हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। ने पार्टी का कुछ राष्ट्रीय पार्टी जो है वो तो नहीं चाह रही है, चूँकि उसका उम्मीदवार खुद मैदान में है। कुछ पार्टी है जो कि हमको देना चाहती है टिकट, लेकिन उनका कुछ शर्त है, तो वो हमको शर्त उनसे अभी तक जचा नहीं है। अगर बिना शर्त का वो मन हमको टिकट देने के लिए तैयार है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ, इसे हम निर्दलीय लड़े।
लोकसभा के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन की प्रक्रिया चालू है। भागलपुर में हालांकि अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय नामांकन कराने कहलगांव से विलम्ब से पहुंची रूपम कुमारी का नामांकन नहीं हुआ और उसको बैरंग वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद रूपम कुमारी, उसके पति धनंजय कुमार मंडल और उसके समर्थक काफी आक्रोशित दिखे और उनका कहना था कि 4 घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण वह सही समय पर नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंच पाए। रूपम कुमारी ने जिला निर्वाचक पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से यह अनुरोध भी किया कि जाम के कारण उन्हें विलंब हुआ, इसलिए उन्हें नामांकन करने दिया जाए, लेकिन समय समाप्त होने के कारण उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया। जाम लगा हुआ था और यहाँ हम आए, यहाँ बोला कि टाइम ओवर हो गया, अब नहीं नॉमिनेशन होगा। कहाँ लाए थे नॉमिनेशन के लिए? हाँ, नॉमिनेशन देने के लिए आए थे। लोकसभा का प्रत्याशी हूँ मैं, रूपम देवी। मैं यहाँ नॉमिनेशन देने आई थी और जाम हो गया, 2 बजे से जाम में ही फंसी हुई हूँ। कहाँ जाम लगा था? कहलगांव से लेकर यहाँ घोघा तक जाम इतना रहता है, ओवरलोडिंग रहता है, ये सब पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? आज ही जो है आने के क्रम में हम लोग 1 बजे ही कहलगांव से चले हैं। पूरे रास्ता जो है कि ओवरलोड ट्रक के कारण, एक तो धूल भी उड़ता है, फ्लाई एश जो है कि ट्रक से गिरता है, आंख में सभी को धूल उड़ता है फ्लाई एश का। नॉमिनेशन हुआ आज? नहीं, नॉमिनेशन नहीं हुआ, जाम के कारण नहीं हुआ। जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा पर लगातार काम करते आ रही है, विशेषकर सड़क दुर्घटना पर इस संस्थान की पैनी नजर रहती है। आज जीवन जागृति सोसाइटी ने वाहन चालक नोबेल पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वाहन चालक सम्मान समारोह 2024 का मुख्य शीर्षक था मेरा चालक मेरा अभियान। इस वाहन चालक नोबेल पुरस्कार में कई वाहन चालकों को पुरस्कृत किया गया। इस सम्मान समारोह में ऐसे वाहन चालक को पुरस्कृत किया गया जो सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त सवारी को जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उसे डॉक्टर के पास उचित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वही संस्थान के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इस सम्मान से चालकों का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ अन्य वाहन चालकों में भी यह जागरूकता आएगी कि यदि हम भी संवेदनशील कर्तव्यनिष्ठ व सजग चालक बनेंगे तो न सिर्फ बड़ी दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सकता है बल्कि अपने जीवन रक्षा के साथ साथ हम सम्मान के भी अधिकारी होंगे। मैं 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, कभी आज तक ऐसा नहीं देखा था कि सम्मानित मैं कभी हो पाऊंगा, कभी सोचा ही नहीं था अपने लाइफ में। पहली बार देखिए सम्मानित हो रहा हूँ। 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, एक दो बार अच्छा लगा कि कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन मैंने मालिक का जान, अपना जान, खुद का जान बचाया। चालक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा, मेरा चालक मेरा अभिमान। यह कार्यक्रम इसीलिए हुआ कि कई ड्राइवर अपने वाहन मालिक के पास बरसों से हैं और बिना कोई दुर्घटना के गाड़ी चला रहे हैं, अपने संवेदनशील होने के चलते, कर्तव्यनिष्ठ होने के चलते और यातायात के नियमों को पालन करते हुए वो गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में उनका सम्मान समाज के द्वारा नहीं किया जाता है, यही देखा जा रहा है। लेकिन जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार दुर्घटना पर काम करती है, जीवन बचाने का काम करती है, उसके लिए हम लोगों ने आयोजन किया है चालक सम्मान समारोह का। वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह का पूरा योगदान है, उन्हीं का श्रेय है, उन्होंने ये आयोजित किया। उनको सूचना मिली कि चालक जो 10 वर्ष से लगातार किसी ऑनर के यहाँ हैं और लगातार सेवा में बने हुए हैं, अच्छे चाल ढाल के साथ और पूरा सुरक्षित परिचालन कराए हैं। सबौर प्रखंड में पटना से आई एसडीआरएफ की टीम ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को किस तरह बचाया जाए, किस तरह अस्पताल लाया जाए, किस तरह उसे सांस देकर फिर से जीवित किया जाए, ऐसे कई पद्धतियों को बताया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में लोग मोबाइल से सेल्फी लेने लगते हैं या फिर वीडियो बनाने लगते हैं। सबसे पहले रोगियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचना चाहिए, यही हमारी मानवता है। कार्यक्रम को लेकर सबौर प्रखंड के कई पदाधिकारी और पटना से आया एसडीआरएफ की टीम, भागलपुर एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। हम एनडीआरएफ बेटा पटना से आए हुए और आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में फ्लड जोन है हमारा बिहार,
तो हम यहाँ पे जो यहाँ की जनता है उनको अवेयर करने आए हैं कि अगर कोई फ्लड वगैरह होती है तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर उनका क्या दायित्व होता है उसके बारे में हमारे रेस्क्यूअर ने उनको बताया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में वर्ग 8 के नामांकित बच्चों के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के अवसर पर अभिभावक संगोष्ठी सह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ प्रखंड लेखापाल राहुल कुमार, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, अभिभावक घनश्याम मंडल, वर्ग शिक्षिका बिंदु कुमारी तथा फूल कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अभिभावकों तथा बच्चों का स्वागत प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने इन बच्चों के 8 वर्षों के शैक्षिकी सफर के खट्टे मीठे यादें के साथ किया। कार्यक्रम में सभी अभिभावकों तथा बच्चों के उत्साह से चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर शिक्षक अविनाश सरोज, नवल किशोर पंजियारा, कौशल्या नाहिदा, अंजुम रागी बहसन, शाहिना खातून, प्रतिमा मिश्रा, नीरज कुमार, मुरली कुमार मंडल, भारती कुमारी, राहुल कुमार सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। नवगछिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में नवगछिया एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थानाध्यक्ष भवानीपुर को सूचना मिली कि बहियार गंगा दियारा क्षेत्र में बने अपने बासा में इंदु यादव अपने गिरोह के सदस्य के साथ इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इंदु यादव को मौजमा बहियार गंगा दियारा में बने बासा का घेराबंदी कर तलाशी लेने पर डकैती की योजना बना रहे कुल 8 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में हथियार एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में भवानीपुर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी व कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। जी, कल रात को हमें देर रात 3 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि भवानीपुर में कुछ अपराधी इकट्ठे होकर के अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना अध्यक्ष भवानीपुर थे। इनके द्वारा रेड करके 2 राइफल, 3.35 बोर का, 21 गोलियां एवं 3 देशी कट्टा बरामद किया गया है। इसी क्रम में 8 लोगों को इंदु यादव के बासा से गिरफ्तार किया गया है।